गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आए हैं फार्म पर जो हमारे घर पे बनाया हुआ है। ये देसी फार्म है, जैसे आपको दिख रहा है। इसकी लंबाई 110 फीट, चौड़ाई है 25 फीट और इसकी हाइट है 11 फीट, ऐसा वो दिख रहा है। ये तो सब देसी मुर्गे पोल्ट्री फार्म है। जो वाइट वाइट दिख रहा है ये भी सब देसी ही है। और आपको और बताते हैं, जैसे इसमें खरगोश भी रखे हुए हैं। ये देखो खरगोश, ये इधर और बैठे हैं। ये बताते हैं आपको, अच्छा फार्म है। बाहर आपको दिख रहा है जो बाजरी लगी हुई है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये फार्म है पूरा। अच्छा फार्म है। पहले बॉयलर मुर्गी का लगाया था लेकिन अच्छा फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसको बंद कर लिया। और अभी आपको दिख रहा है टोटल देसी का लगाया हुआ है। ये इधर दिख रहा है आपको, ये बाजरी लगी हुई है, वो आगे रच का और लगाया हुआ है और चारों तरफ तारबंदी की हुई है। ये देखो, ये पहले वाले बॉयलर मुर्गों के फीड के कार्टून है, ये फीड खिलाते थे इनको। जैसे ये डोरी है, जैसे इसको नीचे खींचो ये नीचे आ जाता है, ये नीचे चला गया। फिर इसको वापस ऊपर करना हो तो डोरी को ऊपर खींचते हैं, ऐसे आपको दिख रहा है देखो, तो वापस ऊपर हो जाती है। जितना फीट खिलाना है खिला, फीट फिर रेस्ट देना हो तब इनको ऊपर कर लेते हैं। और ये चारों तरफ देख लो बोरी लगा रखी है, ये सर्दी के हिसाब से, और बाकी गर्मी के हिसाब से देखो ये ग्रीन नेट लगी हुई है। और जैसे कि आपको दिख रहा है ये मुर्गियाँ बैठी है, ये अंडे देने के लिए बैठी हुई है। ये देखो फार्म का धंधा है, बॉयलर वाला करते हैं, कोई मुनाफे फ़ायदा नहीं है, घाटे का फ़ायदा ही है। अपने भी किया था लेकिन घाटे का फ़ायदा ही हुआ था, कोई फ़ायदा विशेष फ़ायदा नहीं हुआ था, इसलिए फार्म बंद कर लिया था। अभी इसको क्या है कि अब इसको गोट का फार्म बनाना चाह रहे हैं। बकरे सोजत वाले सिरोही वाले गोट फार्म बनाएंगे, इसके डिवाइडेशन करेंगे और थोड़ी बहुत देसी मुर्गे, ये तो फ्री रेंज मुर्गे हैं, इनमें इतना खर्चा नहीं आता है। जो भी उन्हें वेस्टेज रहता है घर पे, दान साफ करते हैं, कुछ भी सब्जी का वेस्टेज होता है तो ये खा लेते हैं, इनका फ्री कॉस्ट होता है, इतने महंगे नहीं पड़ते हैं। लेकिन बॉयलर वाले महंगे पड़ते हैं, इसलिए बंद करना पड़ा। अभी इसका बकरे का फार्म बनाएंगे, जो क्या है कि अच्छा है, लाभदायक फार्म है, जीरो मेंटेनेंस आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और गाँव में तो ऐसे ही हो ही जाती है, हरी पत्तियाँ वगैरह अवेलेबल हो ही जाती है। अब तक के लिए इतना ही ब्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।